नमस्ते बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम है मेहनत का फल, यानी ऐसा परिणाम जो हमें मेहनत करने के बाद मिलता है। आपके मेहनत का परिणाम क्या होता है? आपका परीक्षा फल। आप अपनी परीक्षाओं में कितनी मेहनत करते हैं, कितना पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, और उसका फल कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है, यानी आपको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। तो बच्चों, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, यानी उससे हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो शुरू करते हैं कहानी। नदी के पास बहुत सारे खरगोश रहते थे, उनमें से एक था चुनमुन। खरगोश बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं ना, छोटे छोटे से, गुदगुदे से, ऐसे लगते हैं जैसे रुई के बड़े बड़े से गोले इधर से उधर घूम रहे हों। एक था खरगोश जो नदी के पास रहता था। बहुत सारे थे वैसे तो, लेकिन उनमें से एक था चुनमुन। चुनमुन आज बहुत खुश था। आज वह पहली बार अकेला खाना ढूंढने निकला था। भाई अभी तक तो वो छोटा था, तो उसकी मम्मी उसे ले जाती थी, उसके पापा ले जाते थे, या खरगोशों का जो झुंड था उनके साथ वो जाता था। पर आज वो पहली बार अकेले जा रहा था। चुनमुन खेत में पहुंचा। सामने छोटे छोटे पौधे थे, उन पर लाल लाल टमाटर लटक रहे थे। अच्छे लगते हैं ना बच्चों, लाल लाल टमाटर खाना, और टमाटर खाने से हमारे अंदर ब्लड बनता है, तो उसको भी वो टमाटर बहुत अच्छे लगे। चुनमुन ने टमाटरों को उलट पलट कर देखा, कभी यहाँ से देखता, कभी वहाँ से देखता। नहीं, यह तो वो चीज़ नहीं जो मैं रोज़ खाता हूँ, चुनमुन ने सोचा और आगे बढ़ गया। मतलब जो खाना उसे उसकी मम्मी या उसका झुंड उसे ला के देता था ना, उसको वो वैसा खाना नहीं लग रहा था। आगे पौधों की क्यारियाँ थी। क्यारियाँ मतलब बच्चों, एक लाइन में जब एक जैसे पौधे लगाए जाते हैं ना, तो उन पौधों की लाइन को हम क्यारी बोलते हैं। चुनमुन ने कुछ ज़मीन खोदी, पर पौधा ना हिला। चुनमुन ने और ज़मीन कुछ खोदी, अब पौधा हिलने लगा। लाल लाल गाजर दिखाई देने लगी। चुनमुन ने खींच कर पौधा पूरा उखाड़ दिया। वाह, यही तो मैं रोज खाता हूँ, चुनमुन खुशी से उछला। चुनमुन ने गाजर को जमीन पर पटका, गाजर साफ हो गई। गाजर मिट्टी में उगती है ना बच्चों, ये जड़ है, जो नीचे उगती है उसे फिर खींच के निकालना पड़ता है, तो उस पर मिट्टी लग जाती है। चुनमुन ने उसको इतनी बार फेंका, पटका, तो वो कुछ साफ हो गई। उसने दो चार बार और उसे पटका, अब गाजर बिल्कुल साफ हो चुकी थी, यानी उस पर से मिट्टी बिल्कुल साफ हो गई थी। चुनमुन मेड़ पर बैठकर गाजर खाने लगा। मेड़ मतलब बच्चों, जो खेत होता है ना, उसके किनारे किनारे कुछ ऐसी दीवारें बना दी जाती हैं। कोई लकड़ी की बनाता है, कोई मिट्टी की ही दीवार बना देता है, उस दीवार को कहते हैं मेड़। वो दीवार क्यों बनाई जाती है? कि बड़े बड़े जंगली जानवर या गायें खेतों को नुकसान ना पहुंचाए। चुनमुन उस मेड़ पर बैठकर गाजर खाने लगा। आहा, कितनी मीठी है, पर इसे निकालने में तो मैं थक गया, चुनमुन ने खाते हुए सोचा। तभी चुनमुन की नजर सामने वाली क्यारी पर पड़ी। अरे, वहां तो पौधों पर छोटी छोटी कितने सारी गाजरें लटक रही हैं। मैंने बेकार में इतनी मेहनत की, इतनी मिट्टी खोदी, तब कहीं जाकर एक छोटी सी गाजर निकली, वहां तो ढेर सारी गाजर यूं ही लटक रही हैं। अब चुनमुन ने क्या देखा कि उसने तो मिट्टी में से खोद के गाजरें निकाली, पर सामने क्या देखता है, जो क्यारी बनी हुई है, पौधों की लाइन लंबी से लगी हुई है, उसमें तो छोटी छोटी सी लाल लाल गाजरें वैसे ही लटक रही है। तो बच्चों, वो गाजरें थी क्या? वो कह रहा है चुनमुन, जरा छोटी है, पर कोई बात नहीं। चुनमुन ने अपने हाथ की गाजर फेंकी और उन पौधों की ओर लपका, यानी भाग कर उन पौधों में से गाजरें तोड़ने के लिए उस ओर चला गया। चुनमुन कूदता फांदता मिर्ची के पौधों के पास जा पहुंचा। समझ में आया, वो गाजरे नहीं थी बच्चों, वो लाल लाल छोटी छोटी मिर्चियां थी, जो उसे दूर से गाजर जैसी लग रही थी, क्योंकि चुनमुन अकेला तो कभी आता नहीं था, उसने इतने सारे पौधे देखे नहीं थे, तो उसने मिर्ची को भी गाजर समझ लिया। पौधों को देख कर वह हैरानी से बोला, अरे, यहाँ तो लाल गाजरों के साथ कुछ हरी गाजरे भी लटक रही है, मैं तो लाल वाली खाऊंगा। अब उसको पता ही नहीं था कि लाल मिर्ची हरी मिर्ची अलग अलग होती हैं। जो हरी मिर्च होती है ना, वही आगे चल के लाल बन जाती है। चुनमुन ने एक बड़ी सी लाल मिर्च तोड़कर मुंह में डाली, उसका मुंह जला, उसने मिर्ची दूर फेंकी और पटकता हुआ भागा वहां से। माँ ठीक कहती है, मेहनत का फल ही मीठा होता है।
चुनमुन ने मन ही मन सोचा, मतलब उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी ना, उसने उसकी माँ ने उसे सिखा कर भेजा था कि जो तुम चीज़ खाते हो, जो खाना तुम खाते हो, उसे मेहनत करके ही हमें निकालना पड़ेगा। और उसने किया भी वैसा, गाजर निकाल भी ली, पर उसे तो दूर से जो लाल लाल मिर्चियाँ लटक रही थी ना, वो ही अच्छी लग रही थी। लेकिन वो मिर्ची थी बच्चों, गाजर नहीं। तो क्या सीखा हमने? मेहनत का फल मीठा होता है।